हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात किया जाता है और उसके परिमाप को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम यहाँ पर आज साधारण त्रिभुज की बात करने चल रहे हैं, और जो साधारण त्रिभुज होता है इस तरह से, ए बी सी, इस तरह से। अब इस त्रिभुज का हमें जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो उसके लिए सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी गुणे एच। यहाँ पर जो बी बराबर बेस, यानी ये जो दूरी है जो बी की है, और ये जो है ये अच्छा, यानी इसकी हाइट है, तो हम इस पर एक सवाल लगा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और इसकी जो ये लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और इसका जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस क्षेत्र का जो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 12 × 6, 2 से 6 कट जाएगा, 6 बार 12, और 6×36 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इस क्षेत्रफल का अगर हमें परिमाप ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी हम तीनों भुजाओं के जो वैल्यू होती है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी त्रिभुज में ए बी सी, तो मान लीजिए कि ये वाली ए बराबर 7 है, ये बी बराबर 8 है, और ये सी बराबर 9 है। तो यहाँ पर हम 7 + 8 + 9, ये सभी सेंटीमीटर, 8 × 7 = 15, 15 × 9 = 24 सेंटीमीटर इसका जो है वर्गमूल परिमाप हो जाएगा।